आज भी मान लीजिए किसी जिला में मर्डर हो, किसी जिला में कुछ हो और डीएमएसपी को फांसी पे चढ़ा दे, बल्कि डीएमएसपी जिम्मेदार है जो भी प्रॉब्लम्स होगा, तो क्या प्रॉब्लम्स होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लोटस हाइस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एन इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हु इज नोन फॉर डिवास्टेटिंग मुगल्स फ्रॉम इंडिया, हु हैड ओवरथ्रोन मुगल एम्पायर फ्रॉम इंडिया फॉर नॉट वन ईयर और टू ईयर बट फॉर वन एंड हाफ डिकेड। दिस पर्सन इज नन ऑन द लेस बट शेरशाह सूरी। इट इज सेड दैट इनिशियली शेरशाह सूरी वॉज जस्ट अ स्मॉल पर्सन। इनके पिताजी सिर्फ एक सासाराम के जागीरदार थे बंगाल सल्तनत के, और यहाँ जो बिहार का गवर्नर था उस समय उनका नाम था बहार खान लोहानी, जिन्होंने शेरशाह सूरी को टाइटल दिया था। उनका ओरिजिनल नाम जो था वो था फरीद। एंड व्हेन ही हैज किल वन लॉयन इन हिज चाइल्डहुड ओनली ही वाज गिवन द टाइटल शेरशाह बाय द पर्सन। ही इज द सेकेंड अफगान रूलर। द फर्स्ट अफगान रूलर इन इंडिया वॉज द लोधीज पीपल। ओके, ही रिवाइव द पावर ऑफ अफगान हेयर। It is also said that when Babur had come to India after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat, this person was also invited in one of the meeting. But this person was growing his power initially slow and slow. You know that after the death of Babur, Humayun became the Badshah of Hindustan in 1530. But do you know what had happened here is that Humayun had been busy in chasing and fighting with Bahadur Shah of the Gujarat War. As we know that Humayun was very busy in case of the problems of the Bahadur Shah, this person Shershah Suri was reviving its power in Bihar and Bengal. Thereafter he became so powerful that Humayun could not notice his strength, and the two important battles were fought between Humayun and Shershah Suri. These two battles are known as the Battle of Chausa in 1539 and the Battle of Kannauj in 1550. In these two battles, Humayun had been badly defeated and he had to leave India. Do you know he had already one enemy in case of the Kandahar and Kabul? That was not another person but the brother. Do you remember? Humayun ka chota bhai tha, Kamran, jo tha dushman tha. So he had not gone to Afghanistan but he had to take shelter in the houses of the Persians. To Shah Ismail ke gharane mein unhone apne shelter liya and he lived for 15 years there at only. So, भारत में 15 साल तक, तकरीबन 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी और उनके वंशज का रूल रहा। शेरशाह सूरी इतने महान क्यों थे, क्यों जाने जाते हैं, आइए हम समझते हैं। तो पहले हमने देखा शेरशाह सूरी उठाया, उसके बाद शेरशाह सूरी हैज कैप्चर द रीजन्स ऑफ दीज एरियाज। देर आफ्टर ही कैप्चर उज्जैन, मालवा, बनारस, पार्ट्स ऑफ गुजरात, ऑल दीज एरियाज वाज कैप्चर बाय शेरशाह सूरी इनिशियली एंड हियर आफ्टर। दैट इज बाय ही इज द वंशज पर्सन। But do you know this person had died within 5 years after defeating Humayun, especially when he was attacking on the Kalinjar fort. It was said that he was waiting for the good news that the fort will be captured. Initially the fort was captured. He got a news that fort had been captured, but there is a blast of the bomb and he died in the injury. Injury se unki death hoti hai. He was succeeded by Islam Shah. He was succeeded by आदिल खान, दैट वॉज अ शेर था इल्देस सन थे जो उनको नॉमिनेट किया था। बट द अदर नोबल्स ऑफ दिस पर्सन वॉज सपोर्टिंग दी द अदर पर्सन, दैट इज अ इस्लाम शाह। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लीडर है, एक नाम है आदिल खान, अदर इज इस्लाम शाह। वन पर्सन आदिल वॉज द वन हु वॉज सपोर्टेड बाई शेरशाह सूरी हिमसेल्फ, बट स्पेशली द नोबल पीपल वॉज सपोर्टेड इस्लाम शाह। दिस इज द पर्सन हु वॉज फर्दर सक्सीडेड बाई फिरोज शाह सूरी एंड देन द लास्ट रूलर वाज मोहम्मद आदिल शाह हु हैड बीन डिफीटेड बाय हुमायूं इन द 1555 एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। सो दिस वाज द पर्सन शेरशाह सूरी हु हैड डिवास्टेटेड द पावर ऑफ मुगल्स फॉर वन एंड हाफ डिकेड। ओके, लेट मी टेल यू ब्रीफली दैट वाई दिस पर्सन इज ऑल्सो सो मच फेमस। दिस पर्सन इज मोस्टली फेमस फॉर द लोकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। Especially local system की बात करें, he has appointed the officials like the Sikh, the Khut,
Mukaddams and Amil were the village headmen in this person. This is a very important person. He had a Parganas, Sikh, which we called the Parganas, Sikhdars. Sikhdars were very important officials. Patwaris were there, Munsifs were there, the Fortdar, Thanuga. These are the important officials are present in the time of Sher Shah Suri, which are still used. उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो अभी भी यूज होते हैं, जैसे पटवारी और बहुत सारे वर्ड आपने देखा. अपार्ट फ्रॉम दिस वन, दिस पर्सन इज मोस्टली नोन फॉर दी पट्टा सिस्टम. इनके पास दो चीज़ें आई थी, एक था पट्टा था और दूसरा काबुलियत. पट्टा वॉज अ पेपर ऑन विच एनी रिटन अमाउंट वॉज रिटन फॉर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड काबुलियत वॉज समथिंग ऑन विच लैंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट वॉज रिटन. ही इज मोस्टली नोन फॉर दी रुपया. आज जो हम भारत में जो रुपया यूज करते हैं ना, रुपया 1 rupee, 2 rupees, that base point is started by Sher Shah Suri only, and that rupiah conceptions had been taken from Sher Shah Suri to Akbar also. It is also said that Akbar major reforms of land revenue was mostly directly inspired from Sher Shah Suri only. Apart from it, he had a proper coins called dam. So rupiah or dam bhi abhi hota hai, aapne market mein dekha hoga ye kitne dam ka hai bhaiya. So dam is still used right now. So Sher Shah Suri is known for these all things. Apart from it, this person is mostly known for the good administrations. इनके बारे में कहा जाता है कि इतनी मजबूत थे, है ना, he was so strong in case of administration that even an old woman with a basket full of the gold on her head would cross through woods, no thief or robber would come near to her. तो इनका फंडा सीधा था, if any robbery, if any murder will happen in any estate, culprit will be killed. It will be punished later on. Firstly, the punishment will be given to the officials who are in charge of that village, that pargana or that district. आज भी मान लीजिए किसी जिला में मर्डर हो, किसी जिला में कुछ हो और डीएमएसपी को फांसी पे चढ़ा दे, बल्कि डीएमएसपी जिम्मेदार है जो भी प्रॉब्लम्स होगा, तो क्या प्रॉब्लम्स होगी? ऑफकोर्स नहीं होगी. तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे था. दिस पर्सन इज मोस्टली नोन फॉर द जस्टिस एज वी डिस्कस. सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द पर्सन हु हैड डिवास्टेटेड द मुगल्स फॉर सम टाइम, एंड ब्रीफली वी ऑल्सो डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट दी हिज पॉलिसीज एंड ऑल. ओके स्टूडेंट, सो विल सी यू इन द अदर वीडियो. अदर वीडियो में एक वीडियो बनाया है अकबर द ग्रेट पे. उस अकबर द ग्रेट पे आप समझेंगे कि हम अकबर को ग्रेट क्यों बोल सकते हैं, व्हाई अकबर शुड बी कंसीडर एज अ ग्रेट. ओके, all that, we'll see you in the other video. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.